Hello students. So today we are going to start with the topic of reproduction in human beings. पहले हमने reproduction के बारे में पढ़ा, that what is reproduction, why is reproduction important. Then we have learned about that what is meant by reproduction in plants. उसके बाद now we are going to start with the topic that is reproduction in human beings. Reproduction in human beings may, first of all, let us deal with the thing that is known as the growth and development. See, growth and development are gradual and irreversible process. कि एक बार जिसकी growth हो गई, that is irreversible. वो growth क्या है? वो reverse back नहीं हो सकती है. एक बंदा grow करने के बाद, develop होने के बाद पीछे नहीं जा सकता. Size of the body increases, complexity of the body increases. ठीक है, कि पहले जो बॉडी होती है एक एक बच्चे की बॉडी होती है दैट इज क्वाइट सिंपल, बट एक एडल्ट की बॉडी होती है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, विद द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं. ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस ग्रेजुअली. Growth in human is divided into the following stages. अब अगर हम human beings में growth की बात करते हैं, then we are going to first talk about the various stages that would be taking place in the life of an organism, human being basically. So let us see what are these growth stages. The first stage is infant. इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट होता है एक बच्चा जो पैदा हुआ है फ्रॉम द फीटल और द एम्ब्रियोनल स्टेज, दैट इज अ इन्फेंट. चिल्ड्रन बिटवीन 1 month एंड 1 year ऑफ एज आर कॉल्ड इन्फेंट्स. 1 month से लेके 1 साल, 1 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेज इज द टॉडलर. टॉडलर क्या होता है? एक से 1 साल तक का बच्चा जो होता है दैट इज इन्फेंट. न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट को हम न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं. 1 साल तक एक बच्चा न्यूबॉर्न ही रहता है. उसके बाद हमारी जो स्टेज आती है दैट इज टॉडलर स्टेज. अगर लिटरेचर की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर में टॉडलर इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर अ चाइल्ड हु हैज जस्ट लर्नड स्पीकिंग एंड वॉकिंग. ठीक है, बट अगर बायोलॉजिकली बात करें तो 1 से लेके 4 साल के बच्चे को हम टॉडलर बोलते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद आइदर बच्चा चलना शुरू कर देता है, नहीं तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है. इन सम केसेस दोनों ही शुरू कर देता है, एंड इन सम रेयर केसेस दोनों ही नहीं कर पाता है. बट फिर भी हमें पता है कि 1 साल का बच्चा जो होता है वो बोलना शुरू कर देता है, आइदर बोलता है या चलता है. इस एज में, 1 से लेके 4 साल तक की एज में, ग्रोथ जो होती है दैट इज वेरी वेरी फास्ट. द चिल्ड्रन स्टार्ट्स टू लर्न द बॉडी बैलेंस. बैलेंस ऑफ द बॉडी को बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं. चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 11 to 19 years आर नोन एज एडोलेसेंस. ग्रोथ फास्ट होगी. 4 साल के बच्चे को हम टॉडलर बोलते हैं. टॉडलर के बाद क्या है, हम बेसिकली वर्ड चाइल्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, बच्चा. ठीक है, जो 4 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनको बच्चा बोलते हैं. 4 साल से कम है तो दैट इज टॉडलर. पंजाबी में या हिंदी में उसको भी बच्चा ही बोला जाता है. एंड इन्फेंट इज समथिंग दैट इज न्यू बॉर्न. Children between the ages of 11 to 19 years are known as adolescents. Adolescence क्या होती है? एक ऐसी stage होती है जिसमें एक organism, एक human being ना ही adult की category में आता है और ना ही बच्चे की category में रहता है. It is the stage of life between childhood and adulthood. ये जो period होता है ना, इसमें बच्चा grow, sexually grow करना शुरू कर देता है. sexual development है जो एक बच्चे में होनी शुरू हो जाती है. And this stage is known as adolescence. The period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. Adult होता है एक properly developed person. Child होता है एक properly undeveloped person. ठीक है, चाइल्ड को हम आदमी नहीं बोल सकते, मैन नहीं बोल सकते.
एडोलेसेंस क्या होते हैं? ग्रोइंग मैन एंड वुमेन, डेवलपिंग या इन बीइंग, इन मेकिंग. मैन एंड वुमेन इन मेकिंग आर नोन एज एडोलेसेंस. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली ये 8 साल का जो पीरियड होता है ना, इस 8 साल के पीरियड में द पीरियड, द 8 ईयर पीरियड जो एडोलेसेंस का है, जो आप लोग अभी जा रहे हो, दैट इज क्रूशियल. क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर एडोलेसेंस एज दे आर वेरी सेंसिटिव मेंटली एंड फिजिकली. कोई भी बच्चा इस स्टेज में, एडोलेसेंट बेसिकली, वो ना ही फिजिकली स्ट्रांग होता है और ना ही मेंटली स्ट्रांग होता है. वो डिवेलप होना शुरू, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या है, वो पेरेंट्स के केयर में रहते हैं. एडोलेसेंट्स कुछ ऐसी स्टेज में आ जाते हैं, उनको ना ही पेरेंट्स की इंटरफेरेंस पसंद है और पेरेंट्स के बिना उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, डिस्टर्बिंग हो जाती है. वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. अगर कोई डांट दे, कोई टीचर उनको डांट दे, या फिर कोई कोई पेरेंट्स उनको डांट दे किसी के सामने, या फ्रेंड्स उनको कुछ बोल दें, बुली कर दें, मेंटली इतने ज्यादा हर्ट हो जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं. इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को इतनी समझ नहीं होती. अगर बच्चों को हम बोल देते हैं, मजाक कर लेते हैं, तो वो इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं बात. बट एडोलेसेंट्स हर चीज की गहराई में जाके सोचना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर इन द डेवलपिंग स्टेज ऑफ देयर लाइफ. तो इस स्टेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक चाइल्ड को. वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम प्यूबर्टी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. एडल्टहुड, एडल्ट क्या होता है? एडल्ट होता है एक ह्यूमन बींग जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है. द human being that is more than 18 years in age, that is an adult. An individual attains full growth and emotional stability in adulthood. Adulthood mein aake unko puri growth, unki puri growth ho jati hai aur wo stable bhi ho jate hain. Wo puri acche se mentally stable hote hain, physically strong hote hain. Unko kisi ke mazak karne ka koi asar nahi padta hai. They know how to make the decisions in their life. They know how to move on in their life. क्या करना है, क्या नहीं करना है, adult बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि वो adolescent की stage में इतना कुछ सीख लेते हैं कि adulthood में उनको करना आ जाता है. Okay? Career and shouldering responsibilities are priorities. Career क्या होता है? Career होता है to make yourself. ठीक है, कुछ भी बनना है हमने उसको बोलते हैं career. एंड अपने कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाते हैं. सपोज करो आपने जितनी मस्ती मारनी है वो मार ली, जितना अनसीरियस होना आपने हो गए आप एडोलेसेंट में. अब जब आप एडल्ट स्टेज में जाओगे, एक स्टेज पे आके आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे लिए मेरी फैमिली इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी, मेरे लिए मेरा काम इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी, फालतू की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं समझ आती है एडल्ट होने के बाद, then you really need some good counseling and consultation. But that is the thing that happens with most of the children. Adulthood में सभी समझदार हो जाते हैं. Now let us talk about the puberty. Puberty is the period during which the reproductive system matures in boys and girls. एडोलेसेंस का पीरियड जो होता है 11 से 19 साल तक का, दैट इज द प्यूबर्टी पीरियड. ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल, बच्चा होता है उसमें सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है बिल्कुल भी आनी नहीं शुरू होती. सेक्सुअल मैच्योरिटी से शुरुआत होती है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ की. हमारी थिंकिंग में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहे हैं, सेक्स ऑर्गन में चेंजेस आ रहे हैं. Due to the release of the various hormones that are taking place, बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं जो हमें सेक्सुअली मैच्योर कर रहे हैं. उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारी थिंकिंग में डिफरेंस आना शुरू होता है. हम बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड एंड कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बारे में. गर्ल्स में प्यूबर्टी 11 साल से शुरू होती है, बॉयज से 12 साल में भी शुरू हो सकती है, 14 साल में भी शुरू हो सकती है. ठीक है, It depends on boys. Boys are late in puberty. उनमें puberty late आती है.
puberty continues till the age of 18 years. ठीक है, 18 साल तक की उम्र में, 18 इयर्स तक हमें हमारी प्यूबर्टी चलती है. 18 साल का एक जो होता है प्रॉपरली, उसके सेक्स ऑर्गन हर बच्चे की, हर एडल्ट, मतलब कि एडल्ट हो जाता है वो, और उसके सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज गाय नेन ड्रो लॉजी. जो गाइन वर्ड है बेसिकली, ओके, देयर आर बेसिकली टू वर्ड्स, गाइन एंड्रोलॉजी एंड एंड्रो गायनोलॉजी. ठीक है, लॉजी तो किसी भी चीज की स्टडी को बोलते हैं. सो इन केस इंस्टेड ऑफ लॉजी वी कैन ऑल्सो से गायनस. गाइनेंड्रस और एंड्रोगाइनस. यहाँ पे जो गाइन वर्ड है दैट इज फॉर फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. एंड्रो जो वर्ड है दैट इज फॉर मेल. अब देखो गाइनेंड्रोलॉजी क्या होता है, अगर फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स पहले मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं गाइनेंड्रोलॉजी. अगर मेल के सेक्स ऑर्गन्स पहले मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोगाइनोलॉजी. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स आर गाइनेंड्रस. गाइनेंड्रस का मतलब क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर अर्लियर then the male sex organ. इसका मतलब, इसका प्रूफ हमारे पास है कि गर्ल्स में जो प्यूबर्टी है वो 11 साल की उम्र में शुरू हो जाती है. ऑन द अदर केस बॉयज में जो प्यूबर्टी है वो 12 या 14 साल में शुरू होती है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर गाइनेंड्रस. नाउ व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन during puberty, when a human being is going through the period of puberty, what are the changes that occur in the human body? Changes in boys, testes mature and start producing sperms. Puberty ke time mein 12 saal ki umar ho sakti hai, 13 saal ki umar ho sakti hai, 14 saal ki umar ho sakti hai. जब भी प्यूबर्टी शुरू होती है एक मेल में, मेल ह्यूमन बीइंग में, तो उसके टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, पेक्टोरल गर्डल ग्रोस. जो शोल्डर्स होते हैं बॉयज में बेसिकली, वो शोल्डर्स वाइड होना शुरू हो जाते. ठीक है, वो शोल्डर्स क्या हो जाने, वाइड होना शुरू हो जाते. In the case opposite, pelvic girdle becomes broad. जो females में pelvic girdle है, जो below thighs वाला region है basically, जहाँ पे thighs होते हैं हमारे stomach के नीचे, वो वाला region broad होना शुरू हो जाता है girls में, और boys में shoulder वाला region broad होना शुरू हो जाता है. That is the basic difference between a boy and a girl. ठीक है, shape, body shape में अगर फर्क देखा जाए तो shoulders जिसके वाइड होना शुरू होते हैं वो क्या है, मैस्कुलिन कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं. जिसके हिप गर्डल बेसिकली, हिप्स वाला रीजन ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, दैट इज अंडरगोइंग द फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ ओवरीज मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम, द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस. ठीक है, ऑफ कोर्स प्यूबर्टी है तो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो रही है, फीमेल्स में ओवम प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. मेल्स में अगर हम प्यूबर्टी देखना चाहें तो वो कैसे देखी जा सकती है, कि बियर्ड की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, वॉइस में डेप्थ होनी शुरू हो जाती है. बट गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाता है. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, पीरियड शुरू हो जाते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं कि गर्ल्स आर, गर्ल्स हैव स्टार्टेड देयर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी उनकी गर्ल्स की स्टार्ट हो चुकी.
जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन शुरू हो जाते हैं, जहां पे हमारे जेनिटेलिया जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जहां पे हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस इन द केस ऑफ मेल्स एंड वजाइना इन द केस ऑफ फीमेल्स, उसके अराउंड हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. दैट इज वन मोर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. इससे ये पता चलता है कि जो एक बच्चा है बेसिकली वो ग्रो हो रहा है, वो अपनी प्यूबर्टी एडोलेसेंस वाली स्टेज में पहुंच चुका है. जो हमारी प्यूबिक रीजन की स्किन होती है अराउंड द वजाइना एंड अराउंड द पेनिस, वो वाली स्किन जो है कंपैरेटिवली डार्क होना शुरू हो जाती है. पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन आनी उसमें शुरू हो जाती है एंड ये नेचुरल है. इसमें कोई भी कॉन्शियसनेस करने वाली बात नहीं है कि स्किन डार्क हो रही है या स्किन डार्क हो चुकी है, आई शुड गो अंडरगो अ ट्रीटमेंट फॉर दैट. दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. दैट डार्क स्किन प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गन्स, योर सेक्सुअल ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग. सो इट इज कंपैरेटिव, इट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है. अब जैसे लड़कों में दाढ़ी और मूछ, मस्टैच एंड बियर्ड. मस्टैच मींस मूछ एंड बियर्ड मींस दाढ़ी. दाढ़ी और मूछ बढ़नी शुरू हो जाती है. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन गर्ल्स स्टार्ट्स. ठीक है. ब्रेस्ट एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं. हिप रीजन उनका वाइड हो जाता है. ठीक है. उनकी जो वॉइस है वो पतली होनी शुरू हो जाती है. एंड बॉयज की वॉइस है जो इंटेंस होनी शुरू हो जाती है, डीप होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोर्स, भारी आवाज. बॉयज की आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है, गर्ल्स की आवाज तीखी होनी शुरू हो जाती है. डिवेलपमेंट ऑफ डीप वॉइस. डीप वॉइस मतलब इंटेंस. ठीक है. भारी. एंड द वॉइस बिकम्स श्रिल इन द केस ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स की आवाज क्या है, पतली हो जाती है. देखो, अगर हम अपनी कभी भी एक छोटे बच्चे को, इन्फेंट को, जब वो बॉर्न हुआ है, जब वो पैदा हुआ है तो रोते हुए सुना होगा, या एक दो महीने का बच्चा होता है जो, वो जब रो रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता उसकी आवाज से कि इज ही अ मेल और अ फीमेल. ठीक है. 5-6 साल के बच्चे की आवाज, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये बॉय है या ये गर्ल है. फिजिकल अपीयरेंस से भी अगर एक लड़के ने, एक लड़की ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं, बॉयज ने भी जीन्स पहनी है, गर्ल्स ने भी जीन्स पहनी है, सेम स्टाइल की टी शर्ट, सेम स्टाइल की जीन्स है, हेयर स्टाइल सेम है बिल्कुल, वी कैन नॉट जज कि वो मेल है या वो फीमेल है. बट अगर यही चीज बॉयकट किया हो लड़की ने 15 साल की उम्र में, टी शर्ट डाली हो, जीन्स डाली हो, सेम एज ऑफ हिज हर ब्रदर, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे विद द फेस, क्योंकि उसके ब्रदर के फेस पे क्या होगी, दाढ़ी होगी. उसका ब्रदर का शोल्डर रीजन बहुत ब्रॉड होगा. इन दैट केस लड़की का जो ब्रेस्ट होंगे दैट वो बड़े होंगे एंड हिप रीजन जो होगा वो राउंड होगा, बेसिकली ब्रॉड होगा. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस दैट अकर्स बिटवीन बॉडी शेप एंड बॉडी वॉइस. वॉइस में भी कोई फर्क नहीं होता, प्यूबर्टी में वॉइस में भी फर्क आना शुरू हो जाता है एंड बॉडी शेप में तो फर्क आना शुरू हो ही जाता है. एडोलेसेंट्स आर द पीपल विद मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा वो समझते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने दुनिया देखनी शुरू की है. वो पहले अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं. जब वो चाइल्ड होते हैं तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, मतलब पेरेंट्स की बात मानते हैं एंड जो भी उनको बोला जाता है करने को वो करते हैं. बट एक एक बंदा, जब एक बच्चा कोई भी एडोलेसेंट बनना शुरू करता है तो वो सोचना शुरू कर जाता है, वो अपनी दुनिया बनानी शुरू कर देता है अपनी इमेजिनेशन से. तो हर बच्चे की लाइफ में, जब मैं एक बच्चा थी तब मेरी लाइफ में भी वो स्टेज थी जब मुझे कॉन्शियसनेस होती थी अबाउट माय बॉडी, कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मुझे कोई बीमारी हो चुकी है या क्या हुआ है. ठीक है. उस हमारे टाइम में कोई भी अवेयरनेस नहीं होती थी. आपके टाइम में तो अवेयरनेस ही बहुत ज्यादा है. यू हैव अलॉट एंड अलॉट ऑफ इंटरनेट सोर्सेज टू टेल यू, टू गिव यू नॉलेज. यू हैव पेरेंट्स टू टॉक, पर पेरेंट्स से कोई बात करता नहीं है. पर लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट ये क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर सॉल्यूशंस. एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ फिजिकल, मेंटल
एंड इमोशनल चेंजेस। एडोलेसेंट के पीरियड में फिजिकल चेंजेस आते हैं, बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, सोच में चेंजेस आते हैं, एंड इमोशनली ना बच्चा बहुत वीक हो जाता है, ठीक है, सेंसिटिव हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। The spurt of growth in certain body parts create confusion in teenagers. जब ग्रोथ होनी शुरू होती है, कई पेरेंट्स तो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, इनफैक्ट हर पेरेंट ही ध्यान रखता है अपने बच्चों का कि हाँ ये सही टाइम है, हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, शायद उनमें बॉडी ग्रोथ बॉडी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। बट बच्चा खुद एक एक दिन तो उसके लाइफ में ऐसा होता ही है जब बच्चे को पता चलता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरे हेयर ग्रोथ क्यों हो रही है, क्यों मतलब कि क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उनके वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा वरी फील करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शर्म फील करते हैं, शाय फील करते हैं, वो लोनली फील करते हैं, दे डू नॉट फील कम्फर्टेबल, एंड अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करें, पेरेंट्स को बताऊं या ना बताऊं, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, फ्रेंड्स को क्या बताऊं, फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये होगा वो होगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, पेरेंट्स आर द वन जिन्होंने आपके साथ रहना है सारी उम्र, चाहे जितने मर्जी जैसी भी उनकी नेचर है, जैसा भी उनका बिहेवियर है, हर एडोलेसेंट को अपनी हर दिल की बात पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। Teenagers become highly sensitive about someone's opinion. Suppose करो किसी बच्चे ने मुझे कुछ बोला, suppose करो एक लड़की ने बोला कि मेरे रूम में मुझे पिंक कलर के curtains चाहिए, एंड उसके फादर ने मना कर दिया, नहीं पिंक कलर के curtains नहीं लगेंगे, तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव उसको बहुत ही ज्यादा फील हुआ कि मेरे ओपिनियन की कोई कदर नहीं है। हालांकि जब वो बच्ची थी तब वो ऐसा फील नहीं करती थी, बट जब अब वो एडोलेसेंट की स्टेज में है तो वो अपने ओपिनियन एंड दूसरे के ओपिनियन के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिवली सोचती है। दे टेंड टू बिकम एंग्री और अपसेट वेरी इजीली, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बच्चों को इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया तो रोना शुरू कर दिया, पेरेंट्स से बात नहीं मानी तो रोना शुरू कर दिया, स्टडी में कोई प्रॉब्लम है तो रोना शुरू कर दिया, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो रोना शुरू कर दिया, बॉयज ने भी गर्ल्स ने भी, है ना। ये चेंजेस आते हैं, हर बच्चे में आते हैं, ये नॉर्मल है, बट यू शुड टॉक अबाउट योर फिजिकल प्रॉब्लम्स एटलीस्ट विद समवन, किसी बड़े से बात करो, वो बड़ा आपकी फैमिली का ही होना चाहिए तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड से बात करो, लेकिन फ्रेंड से लिमिटेड बात करो, क्योंकि फ्रेंड्स भी आपकी एज के हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। सो जस्ट एग्री मी, अपने पेरेंट्स से या किसी फैमिली मेंबर से ही बात करो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। दे प्रेफर द कंपनी ऑफ पर्सन ऑफ देयर एज, हाँ इस स्टेज में आपको पता है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं, वही मेरी बात सुनेंगे, और कोई तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, मेरा अपना तो मेरे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स तो है ही नहीं, पेरेंट्स तो मेरी बात ही नहीं मानते, पेरेंट्स तो मेरी बात ही नहीं सुनते, पेरेंट्स तो मेरी बात समझते ही नहीं है। ये एक थिंकिंग बन जाती है बच्चों के माइंड में, इस थिंकिंग को आपको अवॉइड करना है, पूरी अच्छे से अवॉइड करना है, बिल्कुल तोड़ देना है। अपने पेरेंट्स से बात करके तो देखो, दे विल नेवर ट्रीट यू बैडली, दे विल नेवर ट्रीट यू बैडली, वो स्ट्रिक्ट जरूर हो सकते हैं, बुरा बिहेवियर नहीं होगा। एक बार बात करोगे फिर आपको पता होना शुरू होगा, धीरे धीरे आप सब कंफर्टेबल होना शुरू करोगे एक दूसरे से, एंड अल्टीमेटली यू बोथ विल बी कंफर्टेबल टू ईच अदर। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस दे एक्सपीरियंस डिप्रेशन, हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कभी हार्मोन ज्यादा हो गए, कभी कम हो गए, है ना, तो पीक लेवल चलता रहता है हार्मोन्स का, कभी ज्यादा कभी कम ऐसे करके। तो उस पीरियड्स में हमारे जो है माइंड बेसिक बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ में अजीब से थिंकिंग आती है, इरिटेशन होती है, डिप्रेशन हो जाता है। दे फील द अर्ज टू बिकम इंडिपेंडेंट बट आर अनश्योर अबाउट देमसेल्फ, बहुत जोश आ जाता है कि यार ये सब तो दुनिया में गलत हो रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए,
जैसे कि आज की सिचुएशन पे लगा लो कि एक बच्चा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैं चाइना को खत्म करके आता हूँ, वो अकेला ही चल पड़ेगा चाइना को खत्म करने के लिए. बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस. यू हैव टू बी मैच्योर, यू हैव टू टॉक टू समबडी एल्स. ये जो आप बात कर रहे हो ना जिस चीज की, ये सिर्फ एक जोश है, ये कोई अकलमंदी की चीज नहीं है. दे हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट सेक्स, सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे कोई डिसीज तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. प्लीज डोंट गो टू एनी रॉन्ग वे टू क्लियर योर एनी डाउट. ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करो, दे'ल अश्योर यू, दे'ल मेक यू एवरीथिंग क्लियर. एंड इस चैप्टर को अच्छे से समझो ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से पता चल जाए. इसलिए आपको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है. वो काउंसलिंग कौन कर सकता है? वो काउंसलिंग एक टीचर ही कर सकता है आपकी. इस चैप्टर को अच्छे से समझा के सेक्स एजुकेशन देके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर. ओके, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सेक्स एजुकेशन और सेक्स नॉलेज. सी, टीनेजर्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जब कोई भी टीनेजर होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके माइंड में. Am I having a disease? Am I absolutely normal? Are other people also facing these problems? How and when to share with whom? ये है frequently asked questions जो एक teenager के mind में होते हैं. We are going to start the topic of male reproductive system and then female reproductive system tomorrow. But ये जो questions होते हैं, इसका answer आपको पता चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Am I having a disease? You may have a disease or you may don't have a disease. How will you come to know about this after your proper checkup? ठीक है? पहले अपने parents से बात करो. Talk to your parents. Talk to your parents. Your parents are only persons जो आपको समझा सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है. You are copy of your mother and father. आधा हिस्सा आपका मदर से आया है, आधा हिस्सा आपके पापा से आया है. अगर आप उनके साथ डिस्कस नहीं करोगे, अगर आपको लगता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स का या वो आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो मेरी बात मानो, दुनिया में कोई भी नहीं दे पाएगा, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं दे पाएगा. You have to talk to your parents. This is the right time to talk to your parents. This is the right time to make confidence on your parents. आपके पेरेंट्स को आप पे विश्वास आए, इसके लिए आपको उनसे बात करना बहुत जरूरी है. सामने बैठ के बात करना जरूरी है, डायरेक्टली बात करना जरूरी है. हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है नहीं है. ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि आप में जो चेंजेस आ रहे हैं नॉर्मल है, बट अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, सपोज करो अगर आपने प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा आपने अपना, तो हाइजीनिक नहीं रह रहे हो, तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन है. इन्फेक्शन की वजह से आपको ये सब हो रहा है, ये सब फेस करने की कोशिश, मतलब ये सब फेस करना पड़ रहा है आपको. इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तभी चलेगा अगर आप पेरेंट्स को बताओगे कि पापा मेरे साथ ये हो रहा है, मम्मा मेरे साथ ये हो रहा है. इज इट नॉर्मल? बॉयज अपनी मदर के साथ भी बात कर सकते हैं, फादर के साथ भी बात कर सकते हैं. गर्ल्स हैव टू टॉक टू देयर मदर ओनली. इफ यू डू नॉट फील कंफर्टेबल टू टॉक टू योर मदर, ऐसा वैसे होता नहीं है, तो अपने किसी आंट से, बुआ से, चाची से, मामा मामी से, उनसे बात करो कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, या बड़ी बहन से बात करो.
वो आपको प्रॉपरली काउंसिल करेगी अबाउट एवरीथिंग एल्स. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू शुड कंसल्ट टू डॉक्टर, यू शुड एंड यू हैव टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर, क्योंकि ये एज होती है सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव. अगर आपने इस एज में प्रॉपरली अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं किया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके फेस करनी शुरू, मतलब फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इनिशियल ही जब किसी का गलत हो गया तो आगे जाके तो उसको प्रॉब्लम होएगी ही. एम आई एब्सोल्युटली नॉर्मल? यस यू आर नॉर्मल, यस बिल्कुल नॉर्मल हो, चाहे तुम एक लड़का हो चाहे लड़की हो, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. ये प्रॉब्लम सबको होती है, ठीक है, और इन हर प्रॉब्लम का इलाज है, बट उन प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी. यू हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स. आर अदर पीपल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स? यस, आइदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, ही और शी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स. बॉयज में बॉडी शेप में डिफरेंट चीजें हैं, गर्ल्स में डिफरेंट चीजें हैं. अल्टीमेटली द रिजल्ट इज सेम, दैट इज डिप्रेशन एंड द हार्मोनल फ्लक्चुएशन. हार्मोनल फ्लक्चुएशन मतलब कभी हार्मोन कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कभी नॉर्मल रह रहे हैं. तो ये सारी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, यस दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. हाउ एंड व्हेन टू शेयर विद हूम? यू कैन शेयर एनी टाइम विद योर पेरेंट्स. पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपको पाल रहे हैं, जो आपको पैसे दे रहे हैं, जो आपको आपके लिए कमा रहे हैं, जो आपको ग्रो अप कर रहे हैं, ठीक है. पेरेंट्स से बेटर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है. हो सकता है आप किसी फ्रेंड से बात करो, फ्रेंड आपको मिसगाइड कर दे. आप फ्रेंड को सही समझ लो, आपको कैसे पता फ्रेंड सही है, ठीक है. यू डोंट हैव एनी प्रूफ एंड यू डोंट नीड टू फाइंड अ प्रूफ, यू जस्ट नीड टू आस्क योर पेरेंट्स. पेरेंट्स सबके स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि बच्चों को इन चीजों के बारे में नॉलेज ना दे. जो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपको पूरा हक है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू नो, यू हैव द राइट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. आपको अपने बारे में जानने का पूरा हक है. आप किससे पूछ सकते हो? अपने पेरेंट्स से पूछो डायरेक्टली, क्योंकि पेरेंट्स आर द पर्सन दैट दे विल नेवर मिसगाइड यू. आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, ठीक है. फैमिली मेंबर्स भी कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे. हो सकता है फ्रेंड्स आपको मिसगाइड कर दें इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, क्योंकि फ्रेंड्स को खुद को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी पेरेंट्स को होती है. पेरेंट्स को सब पता होता है कि किस बच्चे को किस टाइम में कितना बताना है, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस. हो सकता है ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए हानिकारक हो आपके दिमाग पे, क्योंकि आपका दिमाग भी तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. इस स्टेज में आपके दिमाग पे गलत असर भी पड़ सकता है. इसलिए पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन यू नीड टू शेयर विद एंड आई होप यू विल डू दिस थिंग्स. थैंक यू.